आज हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर फ्रंट स्लिट वाली बेल स्लीव। आप देख सकते हो इसका लुक, हर एंगल से अगर आप इसको देखोगे तो हर एंगल से आपको ये अलग अलग नजर आएगी और उतनी ही खूबसूरत नजर आएगी। तो इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है, चलिए सीखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। तो ये दो स्लीव्स बनाने के लिए आपको पौना मीटर कपड़ा चाहिए होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लिया है। मेरी कोहनी तक की लंबाई 12 इंच है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 13 इंच पर इसको मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने फिटिंग की सिलाई लगाकर ले ली है। अब मैं इसको सीधे में लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह तैयार है। अब नीचे की बेल बनाने के लिए ये सिंगल लेयर में कपड़ा है और ये जॉर्जेट का है। इसकी लंबाई मैंने 18 इंच रखी है। अगर आपकी हाइट 5.5 इंच से कम है तो आप यहाँ पर 16 इंच या 17 इंच लीजिएगा। तो मैंने 18 इंच ली है। 18 इंच लंबाई और 18 इंच ही चौड़ाई रखनी है। जितनी लंबाई रखी है उतनी ही चौड़ाई। अब यहां से हम इसको तिकोन में मोड़ देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो ये खुला लेयर है, तो यहां पर बस हल्के से इस तरीके से गोलाई दीजिएगा, क्योंकि हमें यहां पर कोना नहीं रखना, बस गोलाई रखनी है। उसके बाद इस और भी हम गोलाई दे देंगे। सिर्फ दो कोने में ही हमें गोलाई देनी है। तो ये गोलाई हमने कितने अंतर पर दी है, तो देखो नीचे की गोलाई हमने 1.5 इंच ऊपर दी है और ये वाली गोलाई हमने 2 इंच अंदर की तरफ ली है। तो इस तरीके से बस हमें गोलाई देनी है। अब हम इसके ऊपर से कट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 कोन बने हैं, उसमें से 2 कोन में हमने गोलाई दी है, 1 कोन हमने ऐसा ही छोड़ा है। तो 2 कोनों में हमने गोलाई देकर इसे कट कर दिया। अब यहां से हम इस और इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद आप देखिए आपको कितना हाई चाहिए कितना लो चाहिए। जैसे कि देखो यहां पर ये जो अंतर है आप अपने मर्जी अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। तो मैंने यहां पर ये 6 इंच रखा है। तो यहां पर आप अपने मर्जी अनुसार कम या ज्यादा भी रख सकते हो। अब ये हम हमारा स्लीव का पैटर्न लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। अब इसे हम फिर से एक बार मोड़ देंगे तो ये 4 तह में बन जाएगा। अब इसे इस वाले कोने के ऊपर रख देंगे। तो इसे यहां पर एडजस्ट करके रखना है और जितना एरिया ये कवर कर रहा है वहां पर मार्किंग कर देना है। अब इसके ऊपर से हम कटिंग कर देंगे तो हमें स्लीव की गोलाई यहां पर मिल गई है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको खोलकर दिखाती हूं। तो इसे मैंने खोल दिया। खोलने के बाद आप यहां पर देख सकते हो ये किस तरह से नजर आ रहा है। अब यहां पर ये फोल्ड है तो हमें यहां पर फोल्ड नहीं रखना। अगर आप फोल्ड ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं यहां पर स्लिट बना रही हूं इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो इसे मैं खोलकर दिखाती हूं ताकि आपको नजर आए कि ये किस तरह से शेप में बना है। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके ऊपर बाइंडिंग यानी पाइपिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर का रेड कलर का कपड़ा लिया है और इसे तिकोन में हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहां पर हम ओरे पट्टी कट करेंगे यानी बायस स्ट्रिप। इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूं 2.25 इंच यानी 2.25 इंच और यहां से हम इसको कट कर देंगे। ये पट्टियां हम तिरछे कपड़े में कट करते हैं ताकि हमारी पाइपिंग या बाइंडिंग जो भी आप बोलते हो वो अच्छी तरह से निकल के आए। इसी तरह से सारे कपड़े में से मैंने ये पट्टियां निकाल दी। अब इन पट्टियों को मैं जोड़ना बताती हूं। तो इन पट्टियों को इस तरह से हम रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और यहां से हम सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से सारी पट्टियां हमें एक दूसरे को जोड़ कर लेनी है, जिस तरह से मैंने अभी बताया है। ये इस तरह से तैयार होंगी। तो सारी पट्टियां मैंने यहां पर जोड़कर ले ली है। तो ये देखिए अब यहां पर जो जोड़ है इसे बीच में से इस तरह से चीर देना है ताकि जब भी हम पाइपिंग बनाएं तो ये जोड़ की जगह पे मोटी ना दिखे। अब इस पट्टी को हम रखेंगे इसके ऊपर
और यहां पर कहां से लगाना है देखो, तो यहां से शुरू करना है लगाने के लिए और इसे पूरे राउंड में लगाते हुए यहां तक आकर रुकेगी। तो इस तरह से ये हमारी बाइंडिंग होगी। तो यहां से हम शुरू करेंगे, लेकिन पट्टी को बीच में से मोड़ देना है, ये डबल हो गई और डबल पट्टी में ही हमें ये लगाना है। तो यहां से मैं शुरू करती हूं। यहां पर सिलाई मार्जिन जो है सिर्फ एक दाप की सिलाई मैंने ली है, मतलब क्वार्टर इंच या उससे भी कम रख सकते हो। अब यहां पर देखो नीचे की तरफ कोना है, तो कोने में जब हम आते हैं तो सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे। यहां पर मैं थोड़ा क्लोज लेती हूँ, सुई को अंदर की तरफ ही रखा है, सिर्फ कपड़े को मैंने घुमा कर लिया, उसके बाद पट्टी को भी घुमा कर लिया और एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। बस इतना ही करना है। तो यहां पर पूरे बेल में हमारे तीन कोने हैं। अभी अभी एक कोना हमारे यहां पर हो चुका, ये देखिए। अभी आगे की तरफ भी दो कोने आएंगे, तो दो कोनों में हमें इसी तरह से घुमा कर लेना है। बस पट्टी को डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगाते जाना है। तो बिल्कुल ये गोलाई में ही सिलाई लगेगी, बस कोनों की ओर हमें घुमा कर लेना है। अब देखो दूसरा कोना यहां पर आ गया, ये वाला, तो यहां पर भी यहां तक आएंगे, सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे, बस कपड़े को घुमा कर लिया है, उसके बाद ऊपर की तरफ की पट्टी को भी घुमा कर लिया है और यहां से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और इसी तरह से आगे की तरफ हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमारा तीसरा कोना आएगा यहां पर, तो देखो यहां पर ये तीसरा कोना है, तो यहां पर भी हम सुई को अंदर की तरफ रखेंगे, बस कपड़े को और पट्टी को घुमाएंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो बस मैं कोनों का बार बार यहां पर जिक्र कर रही हूं, क्योंकि कोने अगर अच्छे से आएंगे तो स्लीव का शेप भी, यानी बेल का शेप भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी पट्टी हमारी यहां पर लग चुकी है और एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये पट्टी हमारी पूरी लग चुकी है और ये देखो नीचे का ये कोना भी अच्छे से लग चुका है। अब हम यहां पर इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो ये हमने उल्टी साइड में पट्टी लगाई थी, अब हम इसको सीधी साइड में, मतलब ये सीधी साइड है और सीधी साइड में हम इसको मोड़ेंगे। मोड़ते समय देखिए मार्जिन को मैंने पट्टी के ऊपर रखा है और फिर पट्टी को मोड़ देंगे इस तरीके से और बस किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से ये पाइपिंग या बाइंडिंग जो भी आप बोलते हो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि ये ओरेप पट्टी होती है। यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना है, पट्टी को लगाते समय खींचना नहीं है और ना ही कपड़े को खींचना है। तो बस धीरे धीरे करते करते ये पूरी बाइंडिंग हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। अब बस कोनों के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो यहां पर ये कोना है जहां पर हमने मोड़ कर लिया था, तो बस कोनों के ऊपर जब हम आते हैं तो ये देखिए इस तरीके से यहां पर इसको फोल्ड करना है ताकि कोना यानी कॉर्नर अच्छे से आ जाए। तो आपने देख लिया बहुत ही आसान है ये और बस आगे की तरफ सिलाई चलाते जाएंगे। बस मार्जिन को अंदर की तरफ रखना है और ऊपर से पट्टी से उसको ढक देना है और किनारे से सिलाई लगानी है, सिंपल। और कोने हमें इसी तरह से बनाने हैं। तो बस आगे की तरफ में सिलाई लगाते जाओ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। दोनों तरफ से अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ यानी उल्टा और सीधा दोनों तरफ में आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये बाइंडिंग दोनों तरफ से दिखेगी। अब देखो यहाँ पर ये हमारा दूसरा कोना आ गया है, सेम वही प्रोसेस होगी। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से यहां पर मोड़ा, ये देखिए इस तरीके से, और सिंपली यहां से सुई को अंदर की तरफ रखना है, कपड़े को घुमाकर फिर पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। बस हो गया इसी तरीके से आगे की तरफ भी। तो इस तरीके से इस स्लीव की ये खास बात है कि इसके जो कोने होते हैं अगर अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है तो बहुत सुंदर लगते हैं। अब यहां पर हम ये तीसरे कोने में आ गए हैं, तीसरा कॉर्नर। यहां पर भी सेम उसी तरीके से मैंने पट्टी को मोड़ दिया है,
सुई को अंदर की तरफ रखना है, कपड़े को घुमाना है और सिलाई को आगे चलाना है। और देखते देखते हमारी बेल की बाइंडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो देखते हैं ये कैसे बनी है। तो देखिए बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही है। इसको थोड़ा सा अगर आप आयन करके लोगे बाइंडिंग के ऊपर तो ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों साइड से ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और हाँ, कॉर्नर को हम नहीं भूल सकते। तो कॉर्नर देखिए कितने सुंदर तरीके से आए हैं, ये तीन कॉर्नर। तो इस तरीके से ये हमारी तैयार है। अब हम देखिए इस कॉर्नर से यहाँ पर एक मार्क करेंगे और हमारा स्लीव पैटर्न लेंगे। स्लीव पैटर्न को भी हमें बैक साइड में मतलब यहाँ एक मार्क करना है सेंटर में। और ये देखिए ये है स्लीव की फिटिंग की सिलाई जो कि अंदर की तरफ से साफ नजर आ रही है। बस ये फिटिंग की सिलाई जो है ये इस तरफ हम रखेंगे इस मार्क के ऊपर। और यहाँ पर मैं पिन से इसको सेट कर देती हूँ। अब ये वाला पल्ला उठा के यहाँ पर लाएंगे और ये देखिए इस मार्किंग के आगे नहीं जाना चाहिए ये वाला पल्ला। अगर ज्यादा हो रहा है तो एक आध प्लीट ले लीजिएगा बेल में, लेकिन उस मार्किंग के आगे ये पल्ला नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने पिन से इसको सेट किया। अब ये दूसरा पल्ला उठा के इसको भी आगे की तरफ घुमाते हुए मैं उस मार्किंग की तरफ लेके आई हूँ और यहाँ पर भी मैं इसे पिन से सेट कर देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बेल का घेरा थोड़ा बढ़ रहा है तो एक आध प्लीट ले लीजिएगा। अब इसे गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो अब आ गए हैं हम मशीन की ओर और यहाँ पर पिन से ऑलरेडी सेट कर दिया है तो आप कहीं से भी सिलाई शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को शुरू किया है। जैसे जैसे हम सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे पिंच को भी निकालते जाएंगे। तो बस गोलाई में सिंपली सिलाई लगानी है। अगर आप पिंच नहीं लगाना चाहते तो आप हाथ से बड़े टाको वाली सिलाई करके लीजिएगा, उसके बाद आप मशीन के ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से ये गोलाई में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब सिलाई लगने के बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो देखो सिलाई तो हमने लगा दी। अब इसको जब हम सीधे में लेते हैं तो ये देखिए इसका लुक, तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। कुछ बटरफ्लाई की तरह ही दिख रहा है। इसकी फ्रंट स्लिट बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है और जब हम इसको पहनेंगे तो इसका लुक और बढ़ जाता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब आप देख सकते हो जब आप इसको पहनते हो तो बहुत ही सुंदर ये लहराती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये स्लीव पैटर्न आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।